तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जो कि यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां एटीएम से ठगी के दो आरोपियों को स्थानीय लोगों की भीड़ ने पकड़ लिया। फिर क्या था, उन्हें पेड़ से बांधकर उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। वहीं इंसाफ को मौके पर ही पाने की चाह में यह भीड़ खुद ही कानून को हाथ में लेने पर आमादा हो गई। इसी भीड़ तंत्र की यह तस्वीरें आज फिरोजाबाद से हैं, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया। दरअसल आपको बताते चलें, यह पूरा मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के स्टेशन रोड पर मौजूद एक पेट्रोल पंप का है, जहां ट्रक ड्राइवर बनकर पहुंचे इन दोनों ने फर्जी एटीएम से रुपए निकाल लिए। इस बात की जानकारी होते ही पंप कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगों ने इन्हें दबोच लिया, साथ ही पुलिस को सूचना भी दे दी। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले पब्लिक ने अपनी भड़ास निकालना ज्यादा जरूरी समझा और दोनों सातिर चोरों को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस फिलहाल अब इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ में जुटी है। शिकोहाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट है। क्या करते थे ये भाई? एटीएम पैसे लगा लेते। अच्छा, कितने लोगों को निकाल चुके अभी तक? लगा चुके होंगे 4-5 लोगों को। अच्छा, कितने लूटे इस वक्त? एटीएम कहाँ से लाते थे तुम? पहले के इकट्ठे थे, मतलब दिल्ली में लड़के करते थे, उनके साथ में था, वहाँ से मैं आ गया। मेरी मम्मी कहते हैं कहाँ के रहने वाले हो अभी? साढ़ूपुर। साढ़ूपुर। मेरा नाम सही है? कल थाना मक्खनपुर के एसपी पेट्रोल पंप से यह सूचना मिली कि उन्होंने दो एटीएम चोर पकड़ रखा है और उसको तत्काल पुलिस ले जाए। इस सूचना पे पुलिस वहाँ पे पहुँच के उन दोनों एटीएम चोरों को ले आई, तो उनसे काफ़ी बड़े मामले खुलासा हुआ। उनके पास 40 एटीएम कार्ड उनके कब्जे से मिले, कई एटीएम चोरी की घटनाएं और एटीएम से दूसरे के एटीएम से पैसा निकालने की घटनाओं को उन्होंने कबूल किया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये बड़ा गिरोह है, काफ़ी दिनों से ये इस तरह से एटीएम चोरी कर रहे थे। ये जो पेट्रोल पंप वाली सूचना मिली थी, पहले पुलिस वालों ने ही बता रखा था, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले ही एक भूपेन नाम से के व्यक्ति का एटीएम बदल दिया था और उसी एटीएम से इन्होंने एसपी पेट्रोल पंप से जो इनका पीओएस मशीन स्वाइप मशीन होती है उससे पैसा निकाल लिया था। भूपेंद्र ने पुलिस को सूचना दी थी, तो पुलिस ने पेट्रोल पंप वाले से पूछा था कि अगर ये दोबारा आए तो इसको बैठा लेना। और ये फिर नेक्स्ट डे जब वहाँ गया पेट्रोल पंप पे फिर पैसा निकालने के लिए, तो उसी सूचना पे पेट्रोल पंप स्वामी ने इसके साथ मारपीट करके इसको बैठा लिया था। ये एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है और इस पे मुकदमा लिख के विधिक कार्रवाई की जा रही है।